आता होता आधा भोरा। प्रतियोगिता, इस साल नया खिलाड़ी चुना जाएगा। यही मुझसे अच्छा खिलाड़ी यहाँ और कौन है? मैं ही बनूंगा नया खिलाड़ी, जाकर नाम लिखवा देता हूँ। इस साल का फुटबॉल का खिलाड़ी मैं ही बनूंगा। सब मुझे फूलों का हार पहनाएंगे, मेरे नाम का जयकार करेंगे। मुझे सोचकर खुशी हो रही है। नहीं नहीं, सोचकर कोई फायदा नहीं है, मैं जाकर प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अब मैं इस फुटबॉल को लेकर खेल लेता हूँ। हाँ, ये बूंदा है ना? जरूर इस प्रतियोगिता में नाम दिया होगा, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा है। जा रहा हूँ उसके पास, जाकर उसकी खिंचाई कर लेता हूँ। मर गया मैं, कौन मुझे गिराया? हाँ हाँ भूंदा, मैं हूँ। ले ले पानी पी ले। भूंदा, पानी तो तेरे सर पे गिर गया। सैतन हमदा, तू मुझे गीला कर दे। रुक भूंदा, तू जाकर कपड़े बदल ले, मैं फुटबॉल का रखवाली करता हूँ। भूंदा, इस बल को तू कितना दूर तक मारकर भेज पाएगा? इसे मैं बहुत ऊपर तक मार पाऊंगा। ये तो मेरे बाएं पांव का खेल है, ये देख। ये किसका हरकत था? तेरा किस्मत ही खराब है भूंदा, अब तू इस साल का खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। आहा, ओहो, आ, आप लोग तो सारी बातें मेरा सुन लिए है ना, अब आप लोग ही बोलिए। अगर मुझे वो हंदा प्रैक्टिस करने नहीं देगा तो कैसे मैं इस साल का फुटबॉलर बन पाऊंगा? कैसे हमारे मोहल्ले का इज्जत बढ़ेगा? कैसे हमारे क्लब का नाम रोशन होगा? कैसे? हाँ बोलिए, आप लोग ही कुछ कीजिए। हंदा बहुत बिगड़ गया है, उसे सबक सिखाना होगा। मैं अकेला खेलूंगा क्या? बाकी और खिलाड़ी कहाँ है? हंदा, आज तुझे अकेले खेलना होगा। ये क्या, फुटबॉल कोई अकेला खेलता है क्या? आज तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा ये बात है। मेरे पैरों में जितना ताकत है, तुम लोग उससे हार जाओगे, समझे? तू हम दोनों को हराएगा तब तो तुझे इनाम देना ही पड़ेगा। मतलब? कुछ देर बाद समझ आएगा तुझे। ये देखो हंदा भी आ गया। जो सबसे ज्यादा तेज हंदा को मार पाएगा वही इस साल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन पाएगा, समझ गए तुम लोग? मैं पहले मारूंगा। क्या मारू? मारो। मैं 5 गोल करूंगा। ठीक है जाओ। ओए हंदा, अब तू चल सीधा सीधा खड़ा हो जा। जोर से नहीं लगा, और एक बार मारता हूँ। लग रहा है हंदा को ज्यादा जोर से नहीं लग रहा है, क्या करूँ मैं? और थोड़ा जोर से मारता हूँ। नहीं अब मैं थक गया हूँ, अब मैं नहीं मार पाऊंगा। आप लोग मारिए। और एक बार मार। ठीक है, अब मैं बहुत तेज मारूंगा, अब बॉल भी फटेगा और उसका सर भी। ये देख। द
दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तीन छः। बुआ जी, मटकी में क्या लेके जा रही हैं? चारों तरफ नजर फेरने से अच्छा है तो किताबों पे ध्यान दे, समझा? देखता हूँ बुआ क्या लेके जा रही है। अरे, ये मटकी में सफेद सफेद क्या है? लग रहा है दही है। एक मटका दही। अरे, कुंडी लगा दी। कुंडी कैसे खोलूंगा? मेरा तो हाथ नहीं पहुंचेगा। नहीं, जाता हूँ भैया को बुला के लाता। अरे क्या बात है, एक मटका दही? हाँ, अरे चलो चलो, अभी चलो। कहाँ है कहाँ है मटका? पलंग के नीचे। आ भागो। जल गया, मर गया। अरे भुक्कड़, दही है या चूना? देख के खाना चाहिए ना भुक्कड़ कहीं का। दही समझ के चूना खा लिए हो, अब झेलो। इस घटने के एक महीने बाद एक दिन सुबह सुबह। हाँ, लग रहा है माँ नारियल के लड्डू बना रही है और मैं वहीं से चार पांच लड्डू ले लूंगा। भाभी, इन लड्डुओं को संभाल के रखिएगा, हरी का नजर पड़ेगा ना, तो समझ रही है ना क्या होगा? ठीक है, वो भी बोलने की बात है। आप जितना भी छुपा कर रखो माँ, मैंने देख लिया है। उसी दिन दोपहर के समय में हरी के माँ की आंख लग गई और हरी चोरी छिपे गया लड्डू के खोज में। लेकिन अचानक ही, हरी, ए हरी बदमाश, कहाँ है तू? कहाँ है? अब क्या होगा, माँ तो जग गई है। हरी, ए हरी, क्या हुआ है माँ? इतने देर से कहाँ था तू? ओ, थोड़ा पानी पी रहा था। सिर्फ पानी पी रहा था कि कुछ छुप के खा रहा था? भाभी, सर्वनाश हो गया है। क्या हुआ है? चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं लड्डू बनाई थी ना, उसमें चूहे मरने की दवा डाल दी थी। चूहा लोग खाएंगे तो मर ही जाएंगे एक ही बार। यदि माँ, जहर मिला हुआ लड्डू कोई अगर खाता है तो क्या होता है? एक दो खाने से चक्कर आएंगे और हाथ पैर कांपेंगे और उल्टी उल्टी लगेगा। और कोई 10-12 लड्डू खाए तो? सर्वनाश, तू खाया है क्या? तो फिर मेरा क्या होगा माँ, मैं शायद नहीं बचूंगा। ननन जी, जल्दी से जाके रमेश डॉक्टर को बुला के लाओ। और जब डॉक्टर आया और कुछ दिन बाद जब ठीक हो गया हरी, तो उसके आचरण में बदलाव आया और वह पहले जैसे भुक्कड़ नहीं रहा। आता होता आधा भोरा। अरे हाजा, देखो वहां पर कितना अच्छा सर्कस हो रहा है, चलो देखते हैं। अरे हाँ भोदू भैया, चलिए देखना है क्या? लेकिन पॉकेट में तो पैसा हमारा नहीं है। लेकिन टिकट कटाने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, पॉकेट में पैसा नहीं रखे तो क्या रखे हैं? अरे तुम्हारा दिमाग काम कर रहे है ना, तुम रुक, मैं जा रहा हूँ। गोरिल्ला का हाथ जो मैं मेला से खरीद के लेकर आया हूँ, वो शायद मेरे काम आ सकता है। अरे गोरिल्ला का हाथ लेकर हाड़ा कहाँ जा रहा है? अरे यार, मुझे देखना है वो हाड़ा कहाँ जा रहा है। जाता हूँ उसके पीछे, वो क्या करता है। अरे बाबा।
अरे बाप रे बाप, सर्कस वाला गोरिल्ला बाहर निकल गया है, अब मैं भाग रहा हूँ। यही मौका है, अब मैं टिकट लेकर सीधा घुस जा रहा हूँ सर्कस में। अरे हाडा, तुम हमें नहरे जाओ को देखने के लिए, तो ये मैं सारा बात सबको बता दूंगा और पर्दा फाश जाकर मैं कर दूंगा। हे, तुमको छोड़कर मैं अकेला जाऊंगा देखने के लिए, ये कैसे हो सकता है? अरे तू ही तो मेरा एक अच्छा दोस्त है। अरे हाडा, सारे बातों को यहीं पे छोड़ दे और चल जल्दी सर्कस देखने के लिए चलते हैं अंदर। कितना अच्छा सर्कस देखने के लिए मिला है हाडा। इतना अच्छा सर्कस देखे, इसके बाद और भी कुछ मिल जाए अच्छा खाने के लिए तो उससे भी अच्छा होता। ठीक बोला ना बुद्ध भैया? लेकिन खाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। अरे भोदू भैया, पैसा का क्या बात है, ये मेरे हाथ काम आएगा ना। जरूर जरूर। अरे भोदू भैया, आप देखते जाइए ये हाथ का कमाल। अरे भोदू भैया, चलो वो जो सामने रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है उस रेस्टोरेंट के पीछे चलते हैं। काले मिले आई हार हरी में, काले मिले आई हार हरी में। अभी देखो बाबाची को मजा मैं कैसे चिखाता हूँ, देखते जाओ। मजा उठाई हा चल के नहर। अने माम ने माम, ये क्या आ गया है? अरे भोदू भैया, सचमुच ये चिकन का बाटी हम लोगों का हो गया। अरे वाह, खाना देख कर तो हमारा जीभ में से पूरा पानी आ गया। अरे भोदू भैया, जीभ का पानी तो पहले खा लो उसके बाद खाना। इसका मतलब? अरे भोदू भैया, सर्कस तो मैंने आपको फ्री में ही दिखाया, मगर ये खाना आप खाओगे तो सेहत आपका बिगड़ सकता है। अच्छा तो भोदू भैया, मैं यहाँ से अब चलता हूँ, ठीक है ना? हाडा, तो ये काम हमसे बिल्कुल ठीक नहीं किया है, वो अकेले ही लगता है सारा खाना खा जाएगा। ठीक है, तब भी उसका पीछा करता हूँ, कहाँ गया है? आह, क्या अच्छा चिकन है, थोड़ा सा बचा है इसको भी खा जाते हैं हम। अरे भोदू भैया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरा ही गोरिल्ला का हाथ लेकर तुम मुझे डरा रहे हो, ये काम तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अरे छोड़ो ना भोदू भैया। अरे बाप रे बाप, कोई है जो मुझे बचाएगा? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बहुत डर लग रहा है, कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ, हमें बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बचाओ हमें बचाओ। आज तुमको कोई नहीं बचाएगा हाडा। अरे इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम जा इस बार सर्कस में और इसके साथ सर्कस दिखा। तुम सर्कस से भाग कर यहाँ पे हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हूँ। तुम वही लड़का है ना? ठीक है, तुम दोनों एक साथ मिल गया। ये दोनों को पकड़ कर पिंजरा में बंद कर। अरे बाप रे बाप, अरे भोदू मुझे बचा रे, अरे भोदू मुझे बचा रे, अरे बाप रे बाप। समय ब्रिटिश साम्राज्य था, कलकत्ता में यौंग बंगाल युवकों की भीड़ थी। उन युवकों की भीड़ में दो युवक थे, वे थे मिस्टर अनंत शर्मा और उनके मित्र रामाशंकर यादव। वे दोनों भूत प्रेतों के गवेषक थे। एक दिन रामाशंकर यादव एक समाचार लाए। भाग बुर्बक, इस बार भी जाकर देखेंगे तो वही चीज, बंदर और चमगादड़। भूत का नामो निशान नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारी सब बात तो मानता हूँ, लेकिन फिर एक बात कहूँगा, भूत देखने के लिए अनेक घरों में तो बिताए, इसको भी देखें, जब खबर लाए हो तो चलो ना। ठीक है, जब इस बार बोल रहे तो चलो। ओह, यही तुम्हारा भूताहा जमींदार का घर है, यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। आप लोगों के बारे में मैं जान सकता हूँ क्या? मैं अनंत शर्मा हूँ, भूत गवेषक, और वो मेरा सहकारी रमाशंकर यादव।
इस घर में भूत देखने के लिए आए हैं आप? सही, यहाँ क्या भूत मिलेगा? बोल नहीं सकता, कोशिश करके देख सकते। आपका परिचय? निवरण दुबे, उसी घर में रहता हूँ, मैं इस घर का पहरेदार हूँ। आप किस दिन भूत नहीं देखे? नहीं। सुनिए बाबू लोग, इस घर की दो तल्ले पर दक्षिण पश्चिम कोने में एक घर है, जहाँ आप लोग रह सकते हैं। रहने का व्यवस्था कर सकता हूँ, नगद 50 रुपया लगेंगे। परीक्षा करके देख सकता है इस घर में भूत है कि नहीं। अगर राजी है तो बोलिए। हाँ राजी है। अच्छा तो आइए मेरे साथ। अच्छा रुपया मेरे घर दे आएंगे। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। रात तो बहुत बीत गई, देखे हम लोग का नसीब में क्या होता है। अरे नीचे से किसी की नाचने की आवाज आ रही है ना? हाँ यही तो, चलो देखें। लगता है नित्य सभा इसी घर में है, चलो छिप कर देखते हैं। यह क्या खून? अरे वो घर के भीतर कौन है? ठीक तो ये लोग तो डकैत के जैसे दिखते हैं। महेंद्र प्रताप, तुम हमको जेल भेजा कर क्या सोचा था? तुम अकेला ही राज संभालोगे? लो मैं वापस आ गया, और तुम इस बार हमारे हाथ से बचोगे नहीं। अब सोचो कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ। पहले तुम हमको मारोगे, उसके बाद राजा बाबू को मारोगे। ओ तो ये बात है। और इस बार तुम्हारा बारी है महेंद्र प्रताप। आहा आहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम जैसा बोलेगा वैसा ही होगा, वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँगा। दुश्मनों पे कभी भरोसा नहीं किया जाता है, तुम समझे महेंद्र प्रताप? महेंद्र प्रताप, अच्छा नाटक करके तुम सो गया। ये क्या, ये तो बहुत अचंभे की बात है। क्यों? ये तो 50 साल पुरानी बात है। आप कैसे जाने? क्यों, मैं तो उन्हें का लड़का हूँ ना, महेंद्र प्रताप। ये क्या, हम जो कल चीज देखे वो सत्य है क्या? आना हा 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 हा।